तो दोस्तों आज भारत और रशिया को लेकर एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और दुनिया भर के कई जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक रशिया भारत के साथ खड़ा है दुनिया में कुछ भी हो जाए भारत के ऊपर रशिया आंच नहीं आने देगा। दरअसल आप सभी को पता है कि 2022 में जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई थी तब दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली गई है, परंतु इस लड़ाई के बाद भी भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी हुई है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह था हमारा दोस्त रशिया। और अभी हाल ही में एक चिंता और बढ़ गई है कि इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो यदि मिडिल ईस्ट तक फैलती है तो मिडिल ईस्ट के जो तेल उत्पादन करने वाले देश हैं वो अपने कच्चे तेल को $150 प्रति बैरल से भी ऊंचा पहुंचा देंगे, जिससे न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि दुनिया की हर वस्तु के अंदर महंगाई देखने को मिल जाएगी। और इसलिए इजराइल और हमास की लड़ाई से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है, परंतु जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का भारत और रशिया के ऊपर यह कहना है कि इस लड़ाई का भारत के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक रशिया भारत के साथ खड़ा हुआ है भारत इसी प्रकार से तेजी से आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि रशिया ने पहले ही भारत के लिए टॉप ऑयल सप्लायर बनकर कच्चे तेल की सारी टेंशन ही खत्म कर दी है और सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से कच्चे तेल का इंपोर्ट 80% से घटाकर 44% के आसपास कर दिया है। इसके अलावा खाड़ी के देश जो भी माल भारत को बेचा करते थे उनमें से अधिकांशता माल भारत को सस्ते दामों के अंदर रशिया से मिल जाता है। इसी कारण से यदि इजराइल और हमास की लड़ाई यदि खाड़ी के देशों तक फैल भी जाती है तो रशिया के कारण भारत पर आंच तक नहीं आएगी। और रही बात चीन के साथ रूस की दोस्ती की, तो इसके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि इस साल भारत और रूस का व्यापार $65 बिलियन को टच करने वाला है, क्योंकि 8 महीनों में ही हमने $44 बिलियन का व्यापार कर लिया है, जिससे इस साल के अंत तक यह जो भारत और रूस का व्यापार है वो $65 से $70 बिलियन तक को टच कर सकता है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, यानी रशिया कितना ही चीन का दोस्त क्यों ना बन जाए रशिया भारत को कभी छोड़ नहीं पाएगा। फिलहाल में संकट के समय में जो रशिया भारत के लिए एक सबसे अच्छा मित्र बनकर उभर रहा है उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में फिर आवश्यक दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।